वहां से 310-15 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आ गए और सुबह इन्होंने कहा कि बाबा के रथ के साथ थोड़ी दूर चलेंगे, दर्शन करेंगे और रथ के साथ चलेंगे, फिर वापसी जाएंगे। दुमका से हमारे मनोज भाई आए, जो भी आ रहा है बाबा उनको बुला रहे हैं। और कोई क्यों आ रहा है, जो लोग जुड़े अभी तक उनके टेलीफोन आ रहे, मैसेज आ रहे हैं कि मन नहीं लग रहा, मन भटक रहा है। ऐसे ऐसे श्याम प्रेमी थे जो कि 8-8 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन लगातार आए, हर पड़ाव पर आए। उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे के बाद में काम करने में मन नहीं लगता था, ये करता था कि जल्दी से ऑफिस से निकलो और बाबा की यात्रा में चलो और उसके बाद कीर्तन करके फिर आएंगे। ये बाबा की कृपा। डालिम तल्ला से आज देखिए, कलकत्ता डालिम तल्ला से सुबह बरही मोड़ पर वहीं पर पहुंच गए ये बच्चे। तो बाबा लेकर आया, और इसलिए लेकर आया क्योंकि प्रेमी बाबा से कहता है, बाबा दिन दे फोटो पे है तेरा नाम रहता सुबह और शाम, फोटो पे है तेरा नाम रहता सुबह और शाम, ओ शाम मेरे सिर पर हाथ फेरा जा। पूरे पूरे हाथ उठाओ ना और मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या, ओ बाबा दे दो दर्शन तो सारे मेरे, बाबा दे दो दर्शन तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया। किसी दूसरे दरवाजे नहीं गया, अब बताओ अपना दर्द सुनाने कहां जाओ। मेरा तू ही तो आधार, तेरी महिमा अपार, मेरा तू ही तो आधार, तेरी महिमा अपार,
जाने कहां कहां पर घटका तेरा दीवाना जाने कहां कहां पर घटका तेरा दीवाना डर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी उसने ही आँख फेरी लो अब तो शाम नाम का पुजारी आया
भजन खत्म हो गया। सचमुच में जो बाबा के नाम का पुजारी है, हाथ मत उठाना, लेकिन तालियां जिसको हाथ दिए है बाबा ने जरूर तालियां मिलाकर बोलना। तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया। और थोड़ा जोर से, तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी लखदाता। आइए देखो, हमारे साथ एक ऐसा श्याम प्रेमी है जो बहुत दूर से आया है, लेकिन वो धमकी देकर चल रहा है हमारे साथ कि ये भजन गाओगे तो मैं कंटिन्यू चलूंगा वरना चला जाऊंगा। अब मजबूरी भी है भाई, श्याम प्रेमी को खोना नहीं चाहते, इसलिए आइए ये भजन। हालांकि जिस भजन की डिमांड करते हैं, उस भजन को जिसने समझ लिया, समझ लो उस पर कृपा हो गई। इसलिए प्रेमियों, मैं निवेदन करूंगा इस भजन को दिल से समझना और कोशिश करना इस भजन के अंदर में आप डाइवर्ट नहीं हो, कोशिश करना कि इस भजन के अंदर में आपका मन नहीं भटके, किसी और से आप बात नहीं करें, डायरेक्ट बाबा से बात करने की कोशिश करना। ये मेरा विश्वास है। और ये जो कीर्तन हो रहा है ना, ये तो स्पेशल कीर्तन है प्रेमियों। एक गाँव में, मुझे नहीं मालूम कि इस गाँव में कभी कीर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चौपारण पर ऐसी जगह के अंदर में अगर बाबा का कीर्तन हुआ है तो बहुत ही स्पेशल है। बाबा भी यहां पूरा पोटला भर कर लेकर आए हैं। अरे एक आदमी पहली बार जब जाता है ना तो कुछ स्पेशल लेकर जाता है ना। आप भी किसी के पास बरसों बाद जिंदगी में पहली बार जब जाते हो तो जो मिठाई लेकर जाते हो ना, कुछ स्पेशल लेकर जाते हो। और फिर बाद में कंटिन्यू जब जाना पड़ता है ना तो फिर थोड़ा सा हाथ खींच कर जाते हो। हालांकि ये शाम के साथ नहीं होता, लेकिन पहली बार जब ये जाता है ना तो स्पेशल लेकर जाता है। और आज स्पेशल लेकर आया है, विनोद केसरी जी न्यूज़पेपर में इन्होंने बाबा के नाम की अर्जी लगाई है, आपका बहुत बहुत आभार। आइए
बाबा कुछ भी करना लेकिन एक काम मत करना, मन की बात जुबा पर लाओ कुछ तो बोलो शाम, खता क्या मेरी है खाटू वाले हमें बता दे क्यों रू से हो शाम, खता क्या मेरी है। जी शम्मी जी बाबा से कहा, बाबा सब काम करना लेकिन कुछ देना या मत देना बाबा, बस एक काम मत करना। और वो क्या? शाम तुमसे हमारी अर्जी है, तुमसे हमारी अर्जी है। अभी अर्जी आई ना, क्या अर्जी है? कभी हमसे खफा नहीं होना, बोलो कभी हमसे खफा नहीं होना। आपने भेजी थी अर्जी? अर्जी आपने भेजी थी? विनोद जी आप है, आपने भेजी थी? खाटू गए कभी? कभी खाटू गए? खाटू जाना अर्जी स्वीकार हो जाएगी, हार को जीत के बदल दे। कभी हमसे भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब ओ भाई साहब बैठ जाओ। कभी हमसे खफा नहीं हो, कभी हमसे खफा नहीं होना, शाम तुमसे हमारी अर्जी है, पापा तुमसे हमारी अर्जी है, कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे इंसान क्या होता है? हम
इंसान की फितरत है गलती करना, तालियां बजाओ। और अज्ञानी की फितरत है भूल करना। लेकिन बाबा आप कौन हो, तालियां बजाओ ना। आप तो ज्ञान के समान प्रेम नहीं कहलाती।
आपका प्यार दिल की धड़कन है, आपका प्यार दिल की धड़कन है, दिल से धड़कन को मत जुदा करना, दिल से धड़कन को मत जुदा करना, शाम तुमसे कुछ नहीं करोगे तो फिर क्यों आए हो यहाँ पर, तालियां बजाओ और कसम खाटू वाले श्याम की, कुछ भी करोगे रिजल्ट मिलेगा। ए, जाओ, ए, बहुत बाते तेरे दास को बस यही कहना है, एहसान बहुत बाते तेरे दास को बस यही कहना है, मुझे अपनी शरण में रख लो जी, मुझे सेवा में तेरी लेना है, एहसान बहुत रूप ऐसा बसा है नैना।
परसों बरकट्टा में ये मेरे भाई ढोल बजा रहा है, ये दिल्ली से आए हैं, पूरी टीम दिल्ली से, कीर्तन में रो रहा था। इसके 3 महीने की बेटी सीरियस थी, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ये बाबा के दरबार में रो रहा था। मैंने कहा पगले, तू घर छोड़कर बाबा के कीर्तन में आए हैं, तेरा काम खराब हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हमारे भाई साहब बैठे हैं, देखो अभी भी अर्जी लग रही है बाबा के दरबार में। खाटू धाम से पधारे हमारे पुरुषोत्तम जी जगराम का, खाटू में रहते हैं और भक्तों की अर्जियां बाबा के सामने रखते हैं। इस बच्चे की अर्जी रखी बाबा के सामने और क्रिकेट खत्म हुआ। 1 घंटे के बाद खबर आई कि लड़की को रिलीज कर दिया, लड़की घर में आ गई। कौन कौन मानता है कीर्तनों में अर्जियां लगती है, पूरे हाथ उठाना, तालियां बजाकर। मैं माइक पे नहीं बोलूंगा, जोरदार आवाज से बोले। शाम तुम से हमारी अर्जी, अरे थोड़ा जोर से। शाम तुम से हमारी अर्जी है, कभी हमसे खफा नहीं होना, जीवन बनाने वाले बोलिए, जीवन देने वाले की जय। का समय नहीं लूंगा, बस एक भजन और उसके बाद 4 लाइनें। मेरे एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। बोलो ना, बोलो बोलो। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कब कौन हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कहता हमारा
किसका किसका इसके अलावा कोई नहीं है, पूरे हाथों से मिलकर जोरदार आवाज में तालियां बजाकर बोलेंगे, एक आस तुम्हारी है, इस आस तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, एक आस तुम्हारी ये तालियां बजाकर थोड़ा सा श्रृंगार कर देते हैं, ढिंडोरा पेड़ करते कि ये श्रृंगार मैंने करवाया, मेरे बेटे ने करवाया, अरे पागल, जो फूलों में महक डाल सकता है वो क्या अपना श्रृंगार खुद नहीं कर सकता, जो तारों में चमक डाल सकता है वो क्या अपना दरबार नहीं चमका सकता, बर्फों में शीतलता अग्नि में धधक तुमसे, बर्फों में शीतलता अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे, कौन बने सच मानता है, पूरे हाथ उठाकर, पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर बोलना, कहीं से और नजर डालू तेरा ही नजारा है, जिस और नजर डालू तेरा ही नजारा है, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, अब तेरे सिवा बाबा कौन हमारा है, ये तालियां thank you.
1800 किलोमीटर के जो बाबा का दरबार का रास्ता है उसमें सबसे बड़ा पड़ाव कल है। ये लोग 34 बोल रहे हैं लेकिन कल जब निकलेंगे ना 18 पहुंच जाएंगे। 34 में से 18 माइनस करो कितने होते हैं देखो बोले 18 यही करते हैं ये मैथमेटिक्स बुला देते हैं। थर्टी फोर किलोमीटर कल है अभी तक पता है हमें शोब में पड़ाव है शोब में सबसे लंबा पड़ाव कल है और 18 किलोमीटर की घाटी है। डरा दिया कि सुबह सुबह निकल जाना 7:30 बजे लेकिन बाबा साथ है 34 भी होगा तो भी यही चलाएगा और 44 होगा तो भी यही चलाएगा। इसलिए आइए हालांकि सुबह मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं। देखो आज तो बाय मिस्टेक आज कुछ फॉल्ट था इस कारण हालांकि सब रेडी थे और कल के लिए बिल्कुल प्रशासन ने दिल से बोल रहा हूं बिल्कुल प्रशासन ने ये गारंटी दे दी कि 5 बजे आपको इन करना पड़ेगा शोध के अंदर में और कल बिल्कुल 7:30 बजे का टारगेट है। 7:30 बजे हम लोग यहाँ से बाबा का रथ बाबा की इजाज़त लेकर शुरू करेंगे और मैं 7 बजे बिल्कुल यहाँ पर रेडी रहूँगा। आपको मैं जितने भी पदयात्री हैं निशान यात्री हैं सबसे निवेदन कि सर 7 बजे तक नीचे यहाँ पर बाबा के सामने रथ के सामने जरूर पधार जाएं। 7:30 बजे हम लोग ठीक यहाँ से निकल जाएंगे तो रात को 5 बजे 5:30 बजे तक 6 बजे तक अगर हम पहुँच गए तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। बोल अनिल मूंगा है ना अशोक बिहार में उसने मना किया है कि माइक के सामने मत खड़ा होना। 13 साल पहले मना किया था नहीं है कान वो मारते हो ना चला जाएगा। आप लोग सोचते मजाक करता हूं हार नहीं होगी हार नहीं होगी। कोई है ऐसा जो कभी खाटू नहीं गया है कोई? अरे शर्म से मुंह क्यों छुपा रहे अरे बोल किस्मत खुल गई तेरी। कौन कौन ऐसा है जो कभी खाटू नहीं गया
आप लोग सब गए हो खाटू? आप लोग सब गए? तीन चार हाँ पांच, धीरे धीरे करके ना याद आता है। देखो जो खाटू नहीं गए, बेटा तेरी कितनी उम्र होगी? 20, 22, 25, 25, शादी हो गई? नहीं भैया, पकड़ ले बाबा का दरवाजा, शादी के लिए नहीं, वो तो किसी ने पकड़ रखा है, करियर के लिए। एक बार चला जाना, तेरी उम्र के मेरी मेरे बच्चे हैं, गारंटी से कहता हूं, फर्स्ट टाइम के अंदर में ऐसी कृपा करेगा, ऐसी कृपा करेगा कि तू पागल होकर हर बार दौड़कर उसके दरबार में जाएगा। और जो आज मैं अभी गाने जा रहा हूं, ये तू अगल बगल वाले को जाकर बोलेगा, दरवाजा खटखटा करके, चल मेरे साथ खाटू। कोई पूछेगा क्यों खाटू जाए, तो उसको क्या कहेगा तू? हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की, हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की, बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। इनकी उम्र कितनी है? 73। आगे बताओ, ये भी कलकत्ते से चल रहे हैं पैदल, और 31 दिसंबर को कलकत्ते से हम लोग निकले, और 30 दिसंबर को भीमा शंकर कांवर चढ़ाई हम पैदल चल गए, और 31 दिसंबर को कलकत्ता पहुंचकर फिर कलकत्ते से पैदल चलकर आ रहे हैं बाबा के दरबार। 73 हमारे पैरों में तकलीफ है, लेकिन बाबा ने इनके पैरों में कृपा कर रखी है। पता है क्यों चल रही है? क्योंकि इनका मानना है, मैं हार जाऊंगी कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगी कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सिर पे तेरा हाथ है। मुझे गम नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग है, मुझे गम नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग है,
कौन कौन
आपने जो व्यवस्था की है इसके एवज में श्री श्याम कला भवन के पास शब्द नहीं है, हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन मारवाड़ी वामन झोपड़ी दलिया शाखा को श्री श्याम कला भवन की तरफ से एक शॉल और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। हमारे सूरत से पधारे राजा भैया एक बार। अध्यक्ष महोदय एक बार आ ही मारवाड़ी युवा मंच झुमरी तलैया के अध्यक्ष हैं।